आपको पता ही चला होगा कि आज मैं लेने जा रहा हूँ मेरे बाइक की डिलीवरी। और बहुत दिनों से मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा था, स्टोरीज अपलोड कर रहा था कि मैं नई बाइक ले रहा हूँ और आपके सजेशन ले रहा था कि कौन सी बाइक ले रहा हूँ। तो या मैं बाइक ले रहा हूँ BMW 310 GS। तो मैंने इसका बुकिंग सितंबर में किया था, मुझे बाइक चाहिए थी नवंबर में मेरे बर्थडे के दिन, तो वो टाइम में भी अवेलेबल नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि लक्ष्मी पूजन के दिन लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने वही टाइम पे मॉम और डैड को मैंने एक बाइक गिफ्ट की थी जुपिटर, तो बोला चलो ये टाइम भी लक्ष्मी पूजन को एक बाइक लेते। सो वो टाइम पे अवेलेबल नहीं हुई, तो फाइनली आज जाके मुझे बाइक मिल रही है। सो टुडे इज 20th December और आज थोड़ा अच्छा दिन भी है, तो आज मैं डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। और बहुत दिनों से, मतलब ये साल मुझे कोई कुछ भी करके बाइक लेनी थी, क्योंकि मैंने राइड कंप्लीट की मेरी, जो मेरी ड्रीम राइड थी साउथ इंडिया कन्याकुमारी का, तो वो राइड मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद रिसेंटली मैं उत्तराखंड होके आया, जो मेरा अनदर ड्रीम राइड था केदारनाथ, तो वो भी हुआ, और देन बाइक। तो ये साल मेरे जो भी ड्रीम्स थे वो मैंने कंप्लीट किए, मतलब बोल सकता हूँ कि हुए लगभग। सो उसी बाइक की अभी डिलीवरी के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। सो अभी बज चुके हैं 11, तो एक डेढ़ घंटा लगेगा हमें घर जाने के लिए। तो मेरे साथ आज मेरा भाई आ रहा है, और बिहाइंड द कैमरा ऋषि माय ब्रो, तो वो भी है मेरे साथ, और भी कुछ दोस्त मुझे मिलने वाले आगे। तो अभी यहाँ से फटाक से निकलते हैं, कार रेडी है, भाई वेट कर रहा है, मैं रुका हूँ, तो आपको मिलते हैं कार में सीधा। बाय बाय। इट्स बीन 3 or 4 months कि मैं वेट कर रहा था, तो फाइनली बाइक की डिलीवरी हो गई है। एंड हम लोगों ने रिवील भी किया, तो आप लोगों ने आई गेस फोटो के जो वीडियो शॉट्स हम लोगों ने लिए थे, तो आपने इन्जॉय किया होगा। तो या बहुत खुश हूँ, ज़्यादा खुश हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बहुत मतलब सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। ये बाइक मुझे 2020 ही में लेना था, मतलब 2020 में मुझे परचेस करना था मेरी बाइक, जो मतलब मैंने सोचा था कि कोई ना कोई बाइक ले लूँ। बट फाइनली मुझे मेरा जो एक दोस्त है, उसने सजेस्ट किया था BMW BS4 उसके पास है, तो मैंने उसके वहाँ जाके चेकआउट किया था, तो मेरा मन मतलब फिक्स हो गया था, तब बाइक लेनी अभी BMW 310 GS। एंड देन मैंने सोचा कि फेब में ले लेते, देन मुझे खबर मिली और मुझे न्यूज़ से पता चला कि BMW 310 GS BS6 आ रही है, और उसमें कुछ तो फंक्शन और उनके फीचर्स एडिशन होने वाले हैं। और केतन वॉज हियर, केतन प्लीज। तो केतन भाई ने बहुत मतलब केतन भाई को मैंने बहुत परेशान किया, लाइक हाल ही के 3 महीने सितंबर में बुकिंग किया था मैंने, और हमारा जो भी कन्वर्सेशन हुआ था वो फ़ोन पे हुआ था मोस्टली, मैंने विजिट नहीं किया था BMW के शोरूम में। तो केतन बहुत मतलब, मैं कभी भी कॉल करता था केतन कब डिलीवरी मिलेगी, बट केतन ने इतना कुछ ये किया नहीं कि हाँ भाई मिलेगी मिलेगी मिलेगी। एंड आफ्टर 2 एंड मतलब 2.5 मंथ के बाद डिलीवरी मिली। हाँ कुछ तो इशू था, BMW से बाइक नहीं आ रही थी,
डिले हो रहा था तो उतना कुछ नहीं, बट थैंक यू केतन और सर योगेश सर प्लीज़। तो इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और कन्वर्सेशन हमारा बहुत अच्छा, और मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस नवनीत मोटर के साथ और बीएमडब्ल्यू के साथ अच्छा रहा। बट एक ही चीज़ थी कि उनका भी कुछ इशू नहीं है, बाइक ही नहीं आ रही तो क्या ही कर सकते हैं, बट कोई नहीं, देर से ही पर दुरुस्त आई गाड़ी हम ना एंजॉय कर रहे हैं। या बहुत सारी राइड मैंने स्कीप की इसके लिए, या आपको तो पता चल जाएगा अभी चैनल पे तो जाते ही रहेंगे। Our customer love the bike and they feel the bike ride, you know, we love this. Because only the selling point is not there. Right. After selling, customer enjoyment and customer satisfaction point is important. Very much important for us. Yeah. तो इस बाइक के ऊपर आपको बहुत सारे राइड अभी अपकमिंग देखने को मिलेंगे। तो यार दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो शोरूम से निकलने के बाद अभी हम लोग आए पनवेल में, क्योंकि अभी बज चुके हैं 4:30 और सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतना था कि सुबह घर से खा के नहीं निकले, सीधा डिलीवरी के लिए, बाइक डिलीवरी के लिए निकले। तो अभी यहाँ कुछ तो खाएंगे और फिर जाएंगे घर, तो खाते हैं फिर मिलते हैं। तो कल घर जाने के बाद हुआ ये कि घर जाने के बाद माने आरती की एंड मम्मी पापा भाई और चाचा सब लोग खुश थे गाड़ी देख के, क्योंकि मेरा जो एक ड्रीम था ड्रीम बाइक, मैं उनसे कब से बोल रहा था कि मैं ये बाइक लेने वाला हूँ, तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि कौन सी बाइक मैं ले रहा हूँ। सो उन्होंने बाइक देखने के बाद सब शॉक हो गए कि क्या ही लेके आया है बेटा गाड़ी, एंड देन माने आरती की सब लोग पूछते। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग मंदिर में गए, तो वहाँ भी जाके आरती की अभिषेक किया और देन रिटर्न आया। तो मैं 2 बजे से थोड़ा लेट होने के बाद मैंने वीडियो एंड नहीं किया, फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय किया। तो होप सो आपको ये वीडियो और अपनी न्यू बाइक अच्छी लगी होगी। तो आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारी राइड आने वाली है इस बाइक पे, लाइक बहुत सारी, तो वो मैं कुछ बताऊँगा नहीं। तो ये वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ। आपके कमेंट्स मुझको बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको गाड़ी कैसे लगी, और लाइक करो वीडियो को, बहुत सारा लाइक करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मुझे। और आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो,